subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महाराष्ट्र में ई पास रद्द होने को लेकर नवी मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष नितिन कंधारी और बीजेपी लीगल सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट रैमसन डायस ने पूर्व मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस व महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष माधव भंडारी व महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का आभार व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस व महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने महाराष्ट्र सरकार से ई पास रद्द करने को लेकर काफी प्रयास किया था। महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने अब ई पास रद्द कर दिया है। इसी को लेकर नवी मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष नितिन कंधारी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र दिया था। नागरिकों समस्या को लेकर आज ई पास रद्द होने को लेकर कंधारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो हमारे महाराष्ट्र में ई पास रद्द हो गया, उस बात की हमें बहुत खुशी है। हमारे एक्स सीएम और प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष माधव भंडारी जी ने ये मुद्दे पे बहुत जोर मारा था कि जब सेंटर ने ई पास सिस्टम बंद कर दिया है तो महाराष्ट्र में ये सिस्टम क्यों चालू है। उसी मुद्दे पे हमने भी आवाज़ उठाई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि ई पास सिस्टम रद्द किया जाए, क्योंकि लोगों को अचानक कोई ट्रैवल करना है, कोई फैमिली मेंबर बीमार है या कोई बिजनेस डील है तो वो बहुत अड़चने हो रही है। किसी को टाइम देने और उस टाइम पे ई पास जनरेट नहीं हुई तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे। एक तरफ आप बोलते हैं मिशन बिगिन अगेन, दूसरी तरफ ई पास। अब खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ई पास रद्द करवा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दी ministry and also the efforts by our ex-CM Mr. Fadnavis and also by our local leaders who were against this system of e-pass, because there's a lot of contradiction between the notification from the central government and the state government, and this was creating a lot of problem for the people who had to had some emergent situations where they had to, some things had to be done, and I feel people will take care that they will not abuse this lockdown and take precaution, because we are not over yet from this pandemic. So stay safe, be safe. Video analyst Mitra Nuskar, Pankaj Birmanse report, Awaaz Today, Navi Mumbai. Subscribe to Awaaz Today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.